नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं INS टीवी। शुरुआत इस वक्त की खास खबरों के साथ। राजस्थान की चंबल नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा, नाव में सवार करीब 40 लोग हादसे का हुए शिकार, 14 लोग लापता, रेस्क्यू अभियान जारी। SEU के सदस्यों की बैठक में अजीत डोभाल ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। बैठक में फर्जी नक्शा पेश करने के बाद डोभाल ने बैठक किया बॉयकॉट। बॉयकॉट के बाद पाकिस्तान को लगी मिर्ची। कोरोना के मामलों में लगातार उछाल जारी, 90,000 से ज्यादा नए मामलों के साथ 50 लाख के पार कुल आंकड़े, अब तक 82,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। राजस्थान के कोटा की चंबल नदी में एक बड़ा हादसा हो गया, एक नाव पलट गई। इस नाव में काफी लोग सवार थे, बताया जा रहा है कि बहुत से लोगों की मौत हुई है और कई लोग अब भी लापता हैं। लापता लोगों को ढूंढने की लगातार गोताखोर कोशिश कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि नाव में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे, जिसके चलते ये नाव पलट गई और ये हादसा हुआ। राजस्थान के कोटा जिले में करीब 4 दर्जन से ज्यादा लोगों से भरी नाव के चंबल नदी में डूब जाने से बड़ा हादसा हो गया। बुधवार सुबह हुए इस हादसे के बाद लोगों की चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि नाव में करीब 40 लोग सवार थे। मंजर ऐसा कि मानो चारों ओर लोग पानी में दिखाई दे रहे थे। बताया जा रहा है कि हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंचे बचाव दल ने कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन 14 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाशी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जानकारी के मुताबिक हादसा खातौली इलाके में बुधवार को सुबह सुबह गोठड़ा कला गांव के पास हुआ। हादसे के शिकार हुए ग्रामीण नाव से कमलेश्वर धाम दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान अचानक से नाव पलट गई और सभी लोग नदी के पानी में बह गए। हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। वहीं CM गहलोत ने ट्वीट कर कहा, कोटा में थाना खातौली क्षेत्र में चंबल टीबरी के पास नाव पलट जाने की घटना बेहद दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दे दिए गए हैं। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा है। राहत बचाव दल के गोताखोर नदी में डूबे लोगों को ढूंढने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट INS टीवी। हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ कुछ न कुछ बोलने और कश्मीर राग अलापने की पाकिस्तान की आदत जस की तस बनी हुई है। मंगलवार को SEU के सदस्यों की सुरक्षा सलाहकारों के साथ एक बैठक थी, जिसमें NSA अजीत डोभाल ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मंगलवार को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की वर्चुअल बैठक से वॉकआउट किया। डोभाल ने ये कदम पाकिस्तानी प्रतिनिधि की ओर से गलत नक्शा दिखाए जाने के बाद उठाया। इस्लामाबाद ने भारतीय इलाकों को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाते हुए एक काल्पनिक नक्शा पेश किया था। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, रूस की मेजबानी में SEU सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में पाकिस्तानी NSA ने जानबूझकर एक काल्पनिक नक्शा पेश किया, जिसे पाकिस्तान हाल ही में प्रचारित कर रहा है। पाकिस्तान का अभी कोई आधिकारिक रूप से नियुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं है। मोहित यूसुफ इस तरह की बैठकों में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान से पहले यूसुफ ने ट्वीट किया, विचित्र ढंग से मेरे भारतीय समकक्ष ने पाकिस्तान और रूस के भाषण से वॉकआउट किया। इसने मंच पर खराब अनुभव छोड़ा, जिसकी पूरी भावना सहयोग है। नए नक्शे में पाकिस्तान ने पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अपना दिखाया है। नए नक्शे में पाकिस्तान ने जूनागढ़ को भी पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया है। इसी नक्शे को पाकिस्तान में अपने बैकड्रॉप में लगाया था, जिसका विरोध भारत ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट INS टीवी। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तेजी से इसमें इजाफा हो रहा है। बुधवार को 90,000 से ज्यादा मामले सामने आए और इसके साथ ही देश में COVID-19 के मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई है 50 लाख के आसपास। भारत में कोरोना की रफ्तार हर रोज एक नया रिकॉर्ड बना रही है। मंगलवार को देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 50 लाख के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से बीते 24 घंटे में देश में कोरोना से 1,290 लोगों की मौत दर्ज की गई है। वहीं 90,123 लोग संक्रमित पाए गए हैं। देश में 9,95,933 कोरोना वायरस के एक्टिव मामले हैं। देश में अब तक कुल 82,066 लोगों की संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में भी कोरोना का ग्राफ काफी बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 20,482 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या मंगलवार को बढ़कर 10,97,856 हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है।
मंगलवार को कोरोना संक्रमण के 4,263 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,25,796 हो गया है। वहीं इस बीमारी की वजह से अब तक 4,806 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बरकरार है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,841 नए मामले सामने आए हैं, तो 113 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 67,335 है और 2,52,097 लोग अब तक डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना के तेजी से फैल रहे संक्रमण का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आखिरी 10 लाख केस महज 11 दिन में आए हैं और 2 महीने के अंदर करीब 40 लाख केस बढ़े हैं और इस जानलेवा बीमारी ने अब तक 80,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएस टीवी। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स की जांच कर रही एनसीबी की टीम ने बुधवार को सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी को एनसीबी के दफ्तर में बुला, लेकिन उन्हें वापस लौटा दिया गया। वजह ये कि एनसीबी की टीम के एक सदस्य की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके चलते आज श्रुति मोदी से पूछताछ नहीं की गई। सुशांत केस के ड्रग्स कनेक्शन मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल बॉलीवुड के कई चेहरों के नाम सामने आने के बाद खलबली मची है। इस बीच एनसीबी ने सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी और टैलेंट मैनेजर जया शाह को समन भेज दिया है। श्रुति मोदी एनसीबी के दफ्तर में पहुंच चुकी हैं, जहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम श्रुति मोदी से सवाल जवाब करेगी। रिया के फोन की चैट की जांच में इन दोनों के नाम सामने आए थे। सुशांत के फार्म हाउस में होने वाली पार्टीज के बारे में इन दोनों से जानकारी ली जाएगी। अब इंतजार इस बात का है कि इन दोनों से पूछताछ में क्या नई जानकारी एनसीबी के हाथ लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएस टीवी। आईएनएस टीवी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आईएनएस टीवी।